एक हरिहर नाम के गांव में आस्था नाम की एक धनवान लड़की रहा करती थी। आस्था के पिताजी विजय एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। महीने में 2-3 बार वो काम के सिलसिले में विदेश जाकर आते थे। आस्था की माँ प्रिया एक बहुत बड़ी ड्रेस डिजाइनर थी। आस्था उनकी इकलौती बेटी होने के कारण उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। इसीलिए आस्था जो भी मांगती मिनटों में उसके सामने वो चीज हुआ करती थी। जब भी विजय विदेश से लौटता था तो आस्था के लिए कीमती खिलौने लाया करता था। ये देख आस्था बहुत खुश हुआ करती थी। प्रिया भी लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े बनवाती थी। एक दिन प्रिया आस्था से, ये लो आस्था नया ड्रेस, कैसा है जरा पहनकर बताओ। मम्मी ये ड्रेस तो बहुत ही अच्छा है, थैंक यू। आस्था को इस बात का अब गर्व होने लगा था कि उसके पास जो भी कपड़े और खिलौने हैं वो किसी भी सहेलियों के पास नहीं है। विजय और प्रिया आस्था के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते थे, इसीलिए वो उसे कीमती खिलौने लाकर देते थे। आस्था के घर के पास नव्या नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी। उसकी माँ मीना आस्था के घर काम किया करती थी। नव्या के पिताजी रमेश भी फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करते थे। रमेश और मीना उनके पास जो भी था उसमें नव्या की बड़ी प्यार से देखभाल किया करते थे। नव्या और आस्था एक ही उम्र के थे। जब नव्या अपने माँ के साथ आस्था के घर जाती थी तब आस्था उसे खिलौने दिखाती थी। जानती हो, ये ड्रेस मेरी मम्मी ने मेरे लिए खास करके बनवाया है, और ऐसा ड्रेस किसी के पास नहीं है। और ये खिलौना मेरे पापा ने इंग्लैंड से लाया हुआ है। तुम तो ऐसे खिलौने के बारे में सपनों में भी नहीं सोच सकती। तुम्हारे ड्रेस तो देखो कैसे है। आस्था हमेशा नव्या को नीचा दिखाती थी और दूसरों का हमेशा मजाक उड़ाती थी। आस्था बहुत सारे ड्रेस एक दो बार पहनती और डाल दिया करती थी। प्रिया उन ड्रेस को लेकर घर के कामवाली को दिया करती थी। नव्या अपने स्कूल के दोस्तों को हमेशा किसी न किसी तरह से मदद कर दिया करती थी। नव्या के स्कूल में सब उसके दोस्त थे, और आस्था स्कूल में अपनी महंगी गाड़ियाँ और खिलौने बच्चों को दिखाने के लिए लेकर जाती थी। उसके खिलौने देख बच्चे उसे घेरा करते थे, मगर मन ही मन उसे कोसते रहते थे। एक दिन आस्था अपनी माँ प्रिया से, मम्मी अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, आप मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो? अरे हाँ, मैं तो मेरा बच्ची का बर्थडे भूल ही गई थी। क्या चाहिए मेरी गुड़िया को? मम्मी मुझे एक डॉल हाउस चाहिए जो कि बहुत बड़ा हो। ठीक है बेटा, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। थैंक यू मम्मी। ऐसा कहकर आस्था वहाँ से चली जाती है, और तभी नव्या आस्था का एक बहुत ही शानदार ड्रेस पहनकर उसके माँ के साथ आती है। तभी आस्था नव्या से, अरे तुम पर ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने फेंका हुआ ड्रेस इतना अच्छा होगा। ये मेरी माँ ने मुझे दिया है। ये तुम्हारा ड्रेस है? हाँ ये मेरा ही ड्रेस है। वैसे तुम गरीबों पर अमीरों के कपड़े बहुत जचते हैं। जाने दो, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तुम भी क्या याद रखोगी। ये लो मेरा और एक कीमती ड्रेस। ऐसा कहकर आस्था ने उसका एक नया ड्रेस नव्या को दिया। मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए, तुम ही रखो। ऐसा कहकर नव्या वहाँ से चली गई। तभी आस्था खुश होकर अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से, पिताजी मेरा अगले हफ्ते बर्थडे है, आप भूल गए? अरे मेरी गुड़िया का बर्थडे भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, तुम चिंता मत करो। थैंक यू पिताजी। जाओ अब तुम खेलो। ऐसा कहकर आस्था अपने बर्थडे का अब बेसब्री से इंतजार करने लगी। आस्था का जन्मदिन और नव्या का जन्मदिन एक ही दिन था। मीना और रमेश ने नव्या को बुलाया और, बेटी तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे। अरे पिताजी मैं तो भूल ही गई। पिताजी मेरे चप्पल बहुत खराब हो गए हैं, मुझे नए चप्पल दिला दो ना। तो ठीक है, मेरी बिटिया को हम नई चप्पल खरीदेंगे। नव्या भी अब उसके जन्मदिन का बड़े बेताबी से इंतजार करने लगी। आस्था ने पूरी क्लास में बता दिया था कि उसके बर्थडे पर उसके पिताजी उसे सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं, और सबको बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया। मगर नव्या ने अपनी सहेलियों को और दोस्तों को अपने बर्थडे के बारे में नहीं बताया। इतवार के दिन रमेश और मीना ने सुबह उठकर नव्या को उठाया और उसे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मीना ने उसे नहलाकर उसे नया ड्रेस पहनने के लिए दिया।
रमेश ने भी नव्या को नई चप्पल लाकर दी। ये देख नव्या बहुत खुश हो गई। नव्या अपने माँ पिताजी से, माँ पिताजी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तभी रमेश और मीना नव्या के साथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए गए और दूसरी ओर आस्था के पिताजी विजय को किसी अर्जेंट काम से लंदन जाना पड़ा। सुबह ही विजय ने आस्था को फोन किया। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। बेटा मुझे कुछ अर्जेंट काम के सिलसिले में लंदन आना पड़ा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। थैंक यू पिताजी। ऐसा कहकर आस्था अपने कमरे से बाहर आई तो आस्था अपनी माँ को आवाज लगाती है, मम्मी मम्मी कहाँ हो? उसकी आवाज सुन घर की नौकरानी ने एक ड्रेस उसके हाथ में दिया और कहा, बेटी आस्था तुम्हारी माँ ने तुम्हें आज ये ड्रेस पहनने के लिए दिया है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद चाची, मम्मी कहाँ है? बेटी माँ को सुबह ही अर्जेंट काम की वजह से बाहर जाना पड़ा, तुम नहाकर तैयार हो जाओ। जी। आस्था जा रही थी तभी फिर से फोन बजा। आस्था ने जल्दी जाकर फोन उठाया तो प्रिया फोन पर बात कर रही थी। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। मेरी बच्ची मैं आज सुबह अर्जेंट काम होने की वजह से ऑफिस आई हूँ, मैं शाम तक घर आ जाऊंगी, तुम तैयारी करके रखना। ठीक है मम्मी। ऐसा कहकर आस्था ने फोन रख दिया और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसे आज बहुत बुरा लगा। शाम को आस्था का घर बर्थडे पार्टी के लिए सजाया गया। उसके लिए वहाँ बहुत सारे तोहफे रख दिए गए। हॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा केक रखा हुआ था। बच्चों को खाने के लिए अलग अलग तरह के पकवान, स्नैक्स, स्वीट तथा आइसक्रीम भी रखा हुआ था। तभी आस्था वहाँ नया ड्रेस पहनकर आई और उसके सारे दोस्तों ने उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। थोड़ी देर बाद आस्था अपने माँ का इंतजार करने लगी मगर प्रिया जल्दी नहीं आई। आस्था के सारे दोस्त वेट करके थक गए। तभी एक दोस्त आस्था से, आस्था तुम्हारी मम्मी को आने में बहुत देर हो जाएगी, हमें अभी हमारे घर जाना चाहिए, बाय। ठीक है बाय। ऐसा कहकर सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। तभी प्रिया का आस्था को फोन आता है, बेटा मुझे आने में थोड़ी और देर हो जाएगी, तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मना लेना, ठीक है? सॉरी बेटा। आस्था गुस्से से फोन काट देती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इधर नव्या के घर उसके दोस्त नव्या का जन्मदिन याद रखते हुए उसके लिए छोटे छोटे तोहफे लेकर उसके पास गए। तभी मीना ने सभी बच्चों के लिए बिरयानी और खीर बनाई थी। मीना ने खुद के हाथों से नव्या के लिए केक बनाया था। थोड़ी देर बाद नव्या और मीना आस्था के घर बर्थडे की बधाई देने के लिए गए। वहां पर जाते ही आस्था कहीं नहीं दिखी तो नव्या उसके कमरे में चली गई तो आस्था वहां रो रही थी। ये देख नव्या, क्या हुआ आस्था, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तब आस्था ने नव्या को जो कुछ हुआ वो सब बताया। वो सुन नव्या आस्था से, आस्था मेरा भी जन्मदिन आज ही है इसलिए मैं तुम्हें चॉकलेट देने आई थी, मेरे दोस्त मेरे घर पे इंतजार कर रहे हैं, अगर तुम मेरे साथ आई तो हम दोनों मिलकर एक साथ केक कट कर लेंगे, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। नव्या मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा मगर तुम हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती हो, मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया मगर तुमने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा, तुम आज सबसे खुशनसीब लड़की हो जिसके पास उसके बर्थडे के दिन उसके माँ पिताजी है। आस्था रोने लगी। तभी मीना आस्था से, आस्था बिटिया उठो चलो, बर्थडे के दिन ऐसे रोते नहीं है बेटा, चलो हमारे घर हम सब मिलकर तुम्हारा बर्थडे अच्छी तरह से मनाएंगे। अब नव्या के घर में आस्था और नव्या ने अपने अपने बर्थडे का केक काटा और उन्होंने अपना जन्मदिन खुशी खुशी मनाया। उस दिन से नव्या और आस्था पक्की सहेलियां बन गई और आस्था के स्वभाव में हुआ बदलाव देख नव्या भी बहुत खुश थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव नहीं करना चाहिए और अपने लोगों के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए।